सर थोड़ा सा आगे आ जाएं, आगे आ जाएं थोड़ा। जी जी थैंक यू एवरीबॉडी। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, किसी जाऊं बता, काम ज्यादा होना चाहिए बोलने के बजाय। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एक छोटी सी कोशिश है बाय J&K पुलिस एंड एवरी डॉक्टर एंड एवरीबॉडी स्टाफ इन्वॉल्व इन दिस, ताकि ये जो बीमारी हमारी सोसाइटी में हमारे समाज में घुस गई है, इसका सामना किया जाए, बच्चों को अवेयर किया जाए, जो इसके मरीज हो गए हैं उनका इलाज कराया जाए, उनकी हाथ पकड़ के उनको इससे निकाला जाए। लेकिन इसमें हमें जो एडिक्ट हैं उनके माँ बाप का साथ चाहिए, उनकी फैमिली का साथ चाहिए, और ओवरऑल इसको लड़ने के लिए सिविल सोसाइटी का भी मदद चाहिए। सिर्फ पुलिस अकेली अगर कोई सोचता है कर सकती नहीं कर सकती, इसमें समाज का हर वर्ग हमारे साथ आएगा तभी हम इसको जड़ से उखाड़ सकते हैं। हमने तो मुहिम जारी शुरू की है इसको जड़ से उखाड़ने के लिए, लेकिन मुझे डॉक्टर्स की भी साथ चाहिए, माँ बाप का साथ चाहिए, जज साहबान का साथ चाहिए। अगर कोई ड्रग पेडलर को ले जाते हैं, हो सकता हमारे केस में छोटी मोटी कमी हो, टेक्निकल कमी हो, लेकिन अगर जज साहब कन्विंस्ड हैं ये ड्रग पेडलर है, उसको सजा जरूर देनी चाहिए लार्जर सोसाइटी कास्ट के लिए। इसी तरीके से अगर कोई वकील साहबान हमारा साथ दें कि ड्रग पेडलर को, अगर वो दिल से कन्विंस्ड है कि ये ड्रग पेडलर है, उसको वो डिफेंड करने से मना करें। मैं इस एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, जब तक हम सभी नहीं मिलेंगे इसको हम जड़ से नहीं उखाड़ सकते। ये जैसे अभी SP हेडक्वार्टर साहब बता रहे थे कि ये जो धारणा है कि पंजाब से सारी ड्रग्स आती है वो 20-25% ही है, बाकी ये हमारा पड़ोसी मुल्क से आ रहा, LOC से, दूसरे IB सेक्टर से, तो ये बेसिकली एक नार्को टेररिज्म है, ताकि यहाँ की कश्मीर की जम्मू की लद्दाख की जो जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, ये सब नशीली बन जाए और वो अपने जो उनका मकसद है इसको तबाह करना उसमें कामयाब हो जाए। तो इसके लिए हमें होशियार रहना है। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं, यही कि आइए मिलकर इसका मुकाबला करें। और हम जिस तरह हमने श्रीनगर में गवर्नमेंट ने हमें एक प्लॉट ईदगाह के पास अलॉट किया है, मैंने रिक्वेस्ट की है इसी तरह का एक प्लॉट जम्मू में भी JDA से ऑनरेबल डिप्टी CM साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट से कि वो हमें अलॉट करें। वहां CM साहिबा ने दिलाया था, हम CM साहिबा को रिक्वेस्ट करेंगे कि उसी पैटर्न पे हमें यहाँ भी एक प्लॉट दिलाया जाए। और जैसे MHA में एक प्रपोजल भेजा था 5.5 करोड़ का था, वो श्रीनगर में डग डिडिक्शन सेंटर बनाने का, इसी पैटर्न पे हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को एक और प्रपोजल श्रीनगर के ही पैटर्न पे जम्मू के लिए भी प्रपोज करेंगे, ताकि यहाँ भी एक फुल फ्लेश्ड ड्रग डिडिक्शन सेंटर हो, बिल्डिंग बने अपनी, उसमें ये काउंसलिंग, डिडिक्शन सेंटर, योगा, मेडिटेशन, जिम और बहुत सारी फैसिलिटीज उसमें हो। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हमारी दिल की ख्वाहिश है कि एटलीस्ट 10 बेड का डिडिक्शन सेंटर हर जिले में हो, क्योंकि जहां भी CM साहिबा जाती हैं या मैं जाता हूं तो लोगों की डिमांड है कि ड्रग डिडिक्शन। परसों हम रामबन गए थे, वहां भी लोग कह रहे थे किश्तवाड़, रजौरी, पुंछ, बारामूला, वहां तो है, बहुत सारी जगहों पे नहीं है, कश्मीर में भी और जम्मू में भी और लद्दाख में, वहां बनाने की जरूरत है। हम इस तरफ कदम जो जरूरी है वो लेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सर